नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी लखनऊ यानी चार बाग लखनऊ नवाबों के शहर में। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं जाऊंगा चिड़ियाघर लखनऊ का, जो कि काफ़ी फेमस है, मशहूर है चिड़ियाघर। तो आज हम आपको कैसे जाएं, कैसे आना है तो सारी डिटेल बताएंगे। तो अभी मैं हजरतगंज जो भी है मेट्रो स्टेशन वहाँ से बाहर आया, मैं चार बाग से आया हजरतगंज, जो कि 20 रुपये लगे। और यहाँ से अभी सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यही है जू का, यहाँ से 1.3 किलोमीटर है। तो मैं यहीं से या सचिवालय मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। और लखनऊ अभी मैं निकला हूँ, सुबह सुबह निकल चुका हूँ। ये 52 नंबर की तरफ सभी एल्बिनो गाइस, वेलकम टू है आप सबका लखनऊ जू में। जैसा मैं लखनऊ जू में घूम रहा हूँ, तो लखनऊ जू में मैंने जानवर, हमें बस अभी तो हिरन ही दिख रहे हैं और हिरन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। भाई इनकी सींग क्या है भाई साहब, इनके 12 सींग तो नहीं है? बहुत खतरनाक जानवर है लग रहे हैं। और साथ में कौवा हमें फ्री में देखने को मिल रहा है, और स्वैम्प डियर। और चलिए डियर भाई से मिलाते हैं अपने प्यारे भाई डियर हिरन भाई से। मिल ले हो भाई, जल्दी वहाँ से हटो। डॉट 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 भाई, ये तो मेरी बातें सुन रहा है यार, झूम करके बता। और सब बढ़िया, इसमें तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड है? कह रहा है यही मैं गर्लफ्रेंड ही हूँ। गाइस, आपने किसी पार्क में ये रेल लाइन तो नहीं देखी होगी चिड़ियाघर में, तो लखनऊ में ये खास बात है, तो इस रेल लाइन का मज़े लिए जाए। बट मैं पैदल इसलिए घूम रहा हूँ, तो मुझे पैदल आदत है हर पार्क में, और मुझे भगवान ने मुझे पैर दिए हैं, तो मैं पैर से और इस पैर का यूज़ करके आपको लखनऊ का जू टूर करा रहे हैं। तो पहले गॉगल्स निकालते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है गुरु, तो गर्मी का ना पता चलने के लिए तो गॉगल्स लगाना पड़ेगा। और अभी सबसे बड़ा जानवर हम दिखाने वाले हैं आपको, जिराफ। ये आपको ऐसा लगेगा कि पत्थर का है, बट बहुत ही बड़ा जानवर है। और जिराफ मैंने वैसे पहली बार देखा रियल में, और मैं काफ़ी जू में गया था, तो मैं इस जू में लखनऊ जू में मुझे कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, तो दिखाते हैं। वो सामने जिराफ खड़ा हुआ है, ये पेड़ से ढका है, और अंदर आदमी भी काम कर रहे हैं, इन्हें कोई डर नहीं है भाई इस जानवर से, लग रहा है दोस्त बन गए हैं ये सब। ये जिराफ भाई साहब की पावर और स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखी गई है, कितने बड़े होते हैं ये पढ़ लीजिएगा। मेरे अभी बहुत धूप लग रही है, तो और सारे जानवर को नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे मुझसे। पार्क में भाई साहब घूम रहे हैं, हम गलत टाइमिंग पे आ चुके हैं, क्योंकि अभी सारे जानवर सो रहे हैं, और अभी तो सोने का टाइम है, लगभग दोपहर का टाइम हो रहा है। तो वैसे अगर अब आ रहे हैं तो सुबह के टाइम आइए या शाम के टाइम, अभी 6 बजे तक खुले रहे। ये देखिए एकदम छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पे हैं, जल मछलियों के आप शौकीन हैं खाने के नहीं, बट देखने के तो यहाँ पे चिड़ियाघर में आइए इन छोटी छोटी मछलियों को देख के। और एलिगेटर कार, कोई कार सी के लग रही है भाई साहब। और नीचे देखिए पत्थर, ये समुद्र के पत्थर ला के यहाँ पे रख दिए गए हैं, और इन समुद्र से मछलियाँ लाई गई हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं यार, किसको किसको दिखाएं। ये है मछली सिल्वर डायर। सिल्वर डायर साहब कैसे हो, बढ़िया? और भाई साहब इन समुद्र से ला के इनको यहाँ पे रखा गया, जिससे हमारे लोग जाने, बच्चे बूढ़े और हमारी वजह से भी आप लोग जानिए, ये मछली खाने की नहीं होती, देखने की भी होती हैं मछलियाँ बना रहे हैं। ठीक है भाई, हमारे एक भाई मिले, कहाँ से हो आप? आजमगढ़ से आए हैं, हमारे पड़ोसी, हम भी बनारस से ही हैं, तो यहाँ पे घूमा कैसा लगा आपको जू? और ये भाई मिले, तो भाई से मिल के अच्छा लगा, तो चलिए भाई बढ़िया लगा। तो अभी हमें बब्बर शेर दिखेगा, लेपर्ड एंड तेंदुआ, तो चलिए देखिए कभी खुशी, तो कुछ तो जानवर हमें दिखने वाला है। और ये भाई साहब सब देख के ही आ रहे हैं,
तो ये देखिए लुआन, लुआन एकदम गुफा में अपनी बैठा हुआ है और हम इंसानों को देख के सोच रहा होगा ये साले इन सब के पास कोई काम नहीं है, आ जाते हैं डेली। मैं घूम रहा हूँ तो मैं अभी पूरा वैसे तो घूम लिया हूँ और अभी तो कोई ख़ास जानवर वैसे कोई बड़ा सा खतरनाक वाला हमें दिखा नहीं। लखनऊ जू में ऐसे आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा पसीना हो रहा है। वैसे जगह जगह पे पेड़ हैं, आप मज़े लीजिए, प्रकृति का आनंद भी लीजिए। और ऐसा नहीं है यहाँ पे गोल्स कपल्स वाले मुझे ज़्यादा ही दिखते हैं लखनऊ में, हर जगह जहाँ भी देखो सब अपनी आप घर, सबके ज़िंदगी में है एक सांप है तो उसी सांप को देखने आए हैं। भाग तो देखा हमने, ये शेर भी देखा, बारहसिंगा भी देखा, जिराफ भी देखा, जेब्रा नहीं देखा हमने, भालू देख लिए हमने, आई थिंक वैसे सब देख लिए हमारे मेन सा जानवर हमने। टिकट लिया मैम, लेके आए कौन, लेके आए टूर आया है क्या? अच्छा पिकनिक पे आए हो, तो गाइज मैं इन बच्चों को देख के काफ़ी खुश हो गया जो कि टूर घूमने आया है, इनका बताया जैसा उन्होंने, तो इन्हें देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम भी पहले बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और ऐसे पार्क में चिड़ियाघर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करते थे। उस टाइम मैं शायद सारनाथ में गया था घूमने, मैं फर्स्ट टाइम, और अब तो मैं कहीं भी जा रहा हूँ घूमने चिड़ियाघर में, अब तो नॉर्मल सा हो गया भाई अब लाइफ में, तो चिड़ियाघर में उस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था भाई, टूर जा रहे हैं टूर जा रहे हैं। काफ़ी उन बच्चों में वो मैंने चीज़ें देखी उनकी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश थे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया और मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन क्या ही कमाल का था, अब तो सब चीज़ नॉर्मल ही लगती है। और चलिए अब एग्ज़िट हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे टॉय ट्रेन खड़ी होती है, अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। आपसे बाहर मिलके बताएंगे कि इसकी टिकट की। गाइस यहाँ का एंट्री फीस 80 रुपये, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो ऑनलाइन का यूज़ करिए www.lakhnaurzoo.com पे, वहाँ से जाके आपको 72 रुपये का टिकट पड़ेगा। तो कुछ पैसे आप बचाना चाहते हैं ऑनलाइन का यूज़ करिए भाई। तो हम हैं भाई पैसे बचाने वाले, हमने www से जाके जू से वहाँ से हमने पैसे बचा लिए, हमें 72 का पड़ा टिकट, ऑनलाइन यूज़ किया, आप वहाँ दिखाइए एंट्री हो जाइए। और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हजरतगंज, जो कि यहाँ से लगभग वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ा मुझे, वहाँ से मैं पैदल ही नाप दिया, आप वहाँ से 10 रुपये दे के आ सकते हैं। तो भाई इस खूबसूरत का लखनऊ में जू में आप घूमिए, टूर करिए फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ आइए, मौज मस्ती कीजिए। तो हमने तो बहुत मौज मस्ती कर ली, अब यहाँ से अब करते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं। ये देखिए काफ़ी हरियाली है भाई, इससे गुस्सा ना हो जाइए, ये प्यार है भाई का, और अपने भाई को प्यार देखिए दिखाइए, जिससे हम लखनऊ को और बहुत ही गर्व महसूस कराएँ और लखनऊ को बोलते हैं बॉय बाय दोस्तों। और यहाँ कुछ आपको यादगार के लिए सामान लेना है तो वहाँ पे आपको यादगार एक दुकान है, वहाँ से ले सकते हैं। और लखनऊ का ये जू जो कि 100 साल से पुराना जू है,